मॉडिंग हाउस की तरफ से वेलकम। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड बनाने वाला हूं, जिसमें आपके GTA सैन एंड्रियास में कार रेस और बाइक रेस का एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा, जिसमें आपके पास स्टेडियम भी मौजूद होगा और एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक मौजूद होगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलते हैं हम अपने डाउनलोड की तरफ। डाउनलोड करने के लिए दो मेथड है। पहले मेथड में आपने moddinghouse.com ने यहाँ पर टाइप करना है गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, तो आपके पास हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आपका वेट कर रही है और आप यहाँ पर GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 और इन फ्यूचर GTA 5 के भी मोड्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्च बार का भी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप मोड्स को सर्च भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमारी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। GTA San Andreas कार एंड बाइक रेस मिशन ट्रैक मोड, यहाँ से आप इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इसकी यूजिंग की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ये मोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है गेम में। और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और एंड पर आपके पास मल्टीपल पोस्ट के लिंक भी मौजूद है, यहाँ से आप मल्टीपल मोड्स अपनी गेम्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके डाउनलोड मेथड की तरफ। डाउनलोड करने के लिए आपने क्लिक हेयर पर प्रेस करना है, यहाँ पर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका लिंक अनलॉक हो सके। सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद है राइट साइड पर, यहाँ पर आपने सब्सक्राइब को प्रेस करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपका लिंक अनलॉक हो सके। फिर आपने गेट लिंक पर प्रेस करना है, यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पर दो लिंक अवेलेबल है, किसी भी एक लिंक से आप इस कार रेस ट्रैक मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लिंक 2 पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का बटन आ जाएगा, इसे आप प्रेस करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 12 MB का ये मोड है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर प्लेस कर सकते हैं। मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ और डेस्कटॉप पर प्लेस कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की आपके पास एक जिप फाइल आएगी, आपने इस एक्सट्रैक्ट टू GTA San Andreas कार बाइक रेस पर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह की एक फाइल आएगी, इसको आपने ओपन करना है और अदर फोल्डर को भी ओपन करना है। आपने यहाँ पर तमाम फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना गेम फोल्डर में। गेम फोल्डर के लिए आपने गेम के आइकन पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है और यहाँ पर तमाम फाइल्स को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा तो आपने रिप्लेस भी कर देना है। तो ये आपका मोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपने गेम आइकन पर क्लिक करके गेम को स्टार्ट कर लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम गेम में इसको प्ले कर सकते हैं। तो गाइज हम मेन गेम में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अगर आपने रेस ट्रैक की तरफ जाना है तो रेस ट्रैक की तरफ जाने के लिए आपने यहाँ पर मैप पर जाना है और यहाँ पर आपने एक लोकेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको एक लोकेशन नजर आ रही होगी ट्रैक की, ये एक ट्रैक है और यहाँ पर आपने इस लोकेशन पर राइट क्लिक करना है और मार्क करना है और गेम में वापसी आ जाना है और एक्स और वाई को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम रेस ट्रैक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको एक रेड लाइट नजर आ रही होगी, रेड साइन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपने मूव करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम मौजूद है, ट्रैक मौजूद है, पूरा सिस्टम यहाँ पर रेसिंग का मौजूद है और आपने रेड साइन की तरफ मूव करना। तो यहाँ पर रेड साइन पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कार्स और बाइक्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप किसी भी कार या बाइक को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मूव करते हैं तो मल्टीपल वेपन्स और कैमरामैन मौजूद हैं, यहाँ पर आप इन वेपन्स को भी चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वेपन्स आपके पास आ चुके हैं और इसके अलावा ये आपके पास जेट पैक भी आ चुका है और यहाँ पर आप भी कार को चूज कर सकते हैं एफ की प्रेस करने के बाद। तो आपने इस कार को रेड साइन में मूव करवाना है और यहाँ पर आपने लेवल को सिलेक्ट करना है, हम लेवल 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। लेवल सिलेक्ट करने के बाद आपकी ये रेस स्टार्ट हो जाएगी और आपने एरो की से या AWSD की से आप इसको मूव करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रेस ट्रैक में डिफरेंट कार्स अवेलेबल हैं और आपने भी कार को यूज करना है। सुपर हाई स्पीड पर भी ये काम करेगी, इसके अलावा आपके पास बाइक्स भी मौजूद हैं, डिफरेंट कार्स मौजूद हैं, आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं। आपने कार्स को जितना हो सके कोलिजन से बचाना है, टकराव से बचाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने रेस ट्रैक के ऊपर फॉलो करना है साइंस को और रेस को कंप्लीट करना है।
तो गाइज इसी तरह आप बाइक की रेस भी करवा सकते हैं, आपने फिर उसी लोकेशन पर जाना है और बाइक को चूज करना है। तो यहाँ पर बाइक्स भी अवेलेबल हैं, आपने बाइक को चूज करना है, F की से आप बाइक पर बैठ सकते हैं और इसी तरह आपने रेड सर्कल में जाना है और यहाँ पर आप लेवल चूज कर सकते हैं, लेवल 3 चूज कर सकते हैं। जितना लेवल आप टफ चूज करेंगे उतनी रेस भी टफ होगी। यहाँ पर आपकी रेस स्टार्ट हो चुकी है, बाइक रेस स्टार्ट हो चुकी है, आप रन कर सकते हैं एरो कीज। यहाँ पर आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, आपका जो दूसरे बाइक्स हैं उनके साथ कोलिजन भी हो सकता है। तो आपने स्मूथली इस रेस को रन करना है और विन करना है, एंड पर आपको प्राइस भी मिलेगा। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है, आप इसको इंस्टॉल करें अपनी गेम में और बाइक रेस कार रेस का मजा उठाएं। और अगर आपको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन में कोई मुश्किल आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम जितने जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं और साथ में आपका मैप भी यहाँ पर रन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके रेस के मल्टीपल ट्रैक्स हैं, मल्टीपल आपके लूप्स हैं, आपने इनको कम्प्लीट करना है जिसके बाद आपको प्राइस मिलेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।